Hey guys, good morning and welcome to my new vlog. So guys, आज का vlog start कर रहे हैं सीधे श्याम गार्डन से और अभी मैं पहुँच ही रहा हूँ इधर. तो चल रहे अभी अंदर और धूप हो रही बड़ी कड़कदार भाई, दिख नहीं रही है कुछ, बहुत चटक धूप हो रही है इस बार. तो गर्मी ने और धूप ने तो भाई ख़त्म ही कर दिया है, बहुत बुरी हालत हो गई है. सो अभी आ चुका हूँ हॉल में, एंट्री कर रखी है और यहाँ पे होती है महिला संगीत का सेटअप लगता है भाई. और इधर लगते हैं गद्दे और यहाँ पे बैठा जाता है, मतलब लेडीज़ के जो ढोल सेरेमनी वगैरह होती है तो यहीं पे, क्यों अभी अरेंजमेंट हुआ नहीं है. ओ भाई डीजे भी पीछे ऐसे रखा हुआ है रेहान का. सो अभी आएंगे, डीजे लगेगा यहाँ पे, उसके बाद ठीक सामने सेंटर में फ्लो लगेगा. फ्लो लगने के बाद इधर डांस होता है तो यहीं पर ही लगेगा. उसका बैकड्रॉप बहुत अच्छे से जैसे हमने पहले भी देखा हुआ. तो चलते हैं, आज की जर्नी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. और अभी मैं जा रहा हूँ किधर, अभी मैं जा रहा हूँ वाटिका बैंकेट हॉल एंड कृपा सिंधु बैंकेट हॉल, क्योंकि वहाँ पे भी प्रोग्राम है. तो एक एक राउंड दोनों जगह लेना है. उसके बाद आज शाम का डिनर हम श्याम गार्डन में ही करेंगे यार. तो गाइस हेलमेट पहन लिया भाई, क्योंकि सारी राइड हेलमेट पहन के कभी कभी भूल जाना, क्योंकि हैबिट नहीं है हेलमेट पहनने की. और बोला है कि घर से कि हेलमेट पहन के ही निकला करो, तो हेलमेट पहन के ही काम होगा गाड़ी के. ओ काम क्या होगा, गाड़ी चलेगी. मैं भी ऐसी अपने सुर बता दी क्या बोल देता हूँ, सेल्फी भी खराब. तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं वाटिका बैंक्वेट हॉल और यहाँ पे है आज गुरु जी का प्रोग्राम. सो अभी यहाँ पे रास्ता वगैरह दिया जा रहा है ग्लूकोज, और भाई सारे लोग यहीं पे चप्पल जूते यहीं पर उतार रहे हैं, मैं भी उतार देता हूँ क्योंकि अंदर पूजा पाठ चले, तो अपने शूज मैंने यहीं पर उतार दिया. और भाई सभी लोग यहाँ पे हैं और गेट को भी पूरा डेकोरेट किया गया है. और यहाँ रखी हुई है गणेश जी की मूर्ति, और अंदर पूरा डार्क अंधेरा दिया गया भाई, पूरा अंधेरा है. ठीक सामने भाई अभी पूजा हो रही है. तो गाइस आज काम है नहीं फील्ड में, कुछ नहीं, सारा प्रोग्राम जो गुरु जी का वो अंदर हॉल में, सारे गेस्ट लोग आने लगे. पानी देखो भाई नागिन की तरह घूम रहा है. अब भैया लोग भी कर रहे हैं सफाई यहाँ पे. अब पानी को देखो, पाइप देखो भाई, ये बिल्कुल इतना तेज़ फोर्स है पानी का भाई कि देखो पाइप एक जगह स्थिर नहीं रह पा रहा. नागिन की तरह डांस पकड़ लो चाचा, अब इसे पाइन को ज्वाइन कर देंगे तो आगे निकलेगा. ठीक सामने पानी, अब निकल के आगे पानी वहाँ पे. अब वहाँ पे भी नागिन तो नहीं बनता कहीं, लेकिन आगे खालस मेरे ख्याल से हैवी पाइप है. भाई तभी हम निकल चुके हैं वाटिका बैंकेट हॉल, चला रहे हैं श्याम गार्डन बैंकेट हॉल. पुत्र हमारे साथ हैं तो अभी हम निकल रहे हैं गाइस. अभी आ चुका हूँ मैं, थोड़ा घर गया था कपड़े वपड़े चेंज करने, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ा वर्कआउट करा जाए, कि शरीर बिल्कुल कड़ा कड़ा हो रहा है, तो थोड़ा बहुत थोड़ा वर्कआउट करें. तो आज थोड़ा काम कम है, लेकिन एक जा रहा हूँ बैंकेट हॉल भाई देवेंद्र भाई भी, और अपनी गाड़ी लेके. मैंने कहा आज थोड़ा अभी आधे घंटे बाद जाऊँगा यार, अभी इतना टाइम तो है नहीं ज़्यादा. सो अभी जा रहा हूँ सीधे श्याम गार्डन बैंकेट हॉल, क्योंकि वहाँ से आई हुई है कॉल, क्योंकि वहाँ का भी काम देखना बहुत ज़रूरी है यार. सो गाइस पहुँच चुका हूँ श्याम गार्डन बैंकेट हॉल, और आजकल की आजकल गैलरी इसके पीछे से भी दिख रही है भाई, बहुत सुंदर डेकोरेशन किया है भाई, फ्लावर्स और चूमर लाइट्स. लेकिन अभी तो टाइम है जलने, क्योंकि उजाला बहुत अच्छा था. और हमारा एक बंदा भाई ऊपर चढ़ा लाइट्स से ही करे. अरे भैया तुम वहाँ से आ क्यों गए, वहीं से उनके घर से कनेक्शन नहीं करे, खाली खड़ा करके आ गए, चलाना नहीं है कह रहे, कह रहे थे ना. ठीक है फिर, ये रहा इटालियन झूमर, और डीजे का ट्रस भी ऊपर हो चुका है भाई, और हो चुका है महिला संगीत का सेटअप ख़त्म. और ये हमारे भैया कोठारी जी खड़े हैं इधर, सही हो रही है आजकल कुछ कमी अमी, और स्टेज की चल रही सफाई भाई, क्योंकि फूल वूल का काम गया हुआ है, बहुत ख़राब हो गया है. कोठारी जी तुम भी बहुत फेमस हो गए, बहुत लोग तुम्हें जानते हैं नाम से, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई. अभी भी ये बारात आ चुकी है, और चलते हैं देखते हैं कि पहाड़ी बैंड बहुत तगड़े तरीके से बज रहा है. और मैं हूँ इस समय, आपको बताइए भी तो मिल रहा है कि मैं हूँ इस समय श्याम गार्डन बैंकेट हॉल में. मैं डेकोरेशन लाइट्स वगैरह सारी ऑन हो गई और बज रहे हैं अभी 10, बहुत जल्दी बारात आ गई, नहीं तो इतनी जल्दी बारात आती नहीं है यार. तो चल रहे हैं अभी देख लेते हैं भाई, बड़ा पहाड़ी बैंड बजा बहुत धमाकेदार, तो एक राउंड देख लेते हैं कोई बैंड बजने लगे फटाफट, वहाँ पर एंट्री हो रही दूल्हे की, तो एक राउंड देख लेते हैं कि धमाकेदार हो क्या सीन रहा है. पहाड़ी बैंड का तो अलग ही जलवा है यार. तो आ गए भाई बैंड, अरे भाई बहुत क्राउड है,
बहुत क्राउड है भाई, बहुत क्राउड। तो यहाँ पे जो रस्में होती है वो चल रही है, बाकी इधर बाहरी बैंड का डांस। डीजे भी क्लोज हो गया भाई, अंदर हमारी टीम लेके जा रही है, क्योंकि बाहर से पूरा बंद करते थे फटाफट, और सीधे अंदर रखा जा रहा है क्योंकि कल परसों की तैयारी करी जा रही है, और ठीक सामने रख दिया जा रहा है क्योंकि अब है परसों को 2 दिन पे कैप में। ये रहा यहाँ का मंडप, क्योंकि अभी धूले राजा भी आके यहाँ पूजा पाठ चलेगी इनकी। ये बॉडी बिल्डर भाई, यस जैका। सो भाई यहाँ पर ही है मंडप, और रात में हो गया अभी तो फिलहाल, थोड़ी देर पे एक बार पूजा होगी आफ्टर देन। क्यों ऐसा मत कहा करो यार पुष्पा, शेर की खाल की कमीज पहनी है क्या? डीजे क्लोज हो गई, 10 बजे का टाइम होता है डीजे का लास्ट का, तो भाई क्लोज कर दिया। और यहाँ भाई धमाकेदार, अभी हम ले आ रहे थे अपनी टीम के लिए खाना, तो देवेंद्र भाई ने भी लिया एक होटल उनके लिए गुलाब जामुन है, और भाई एक हाँ क्योंकि अपनी टीम को भी खाना खिलाना है, तो यहीं से पैक कर दिया है अभी हम, और चार दिन पहले गोदाम में दे दें। जो अपनी साइड से आ रहे हैं भाई, गाड़ी कितने ओ भाई, गाड़ी में ही लेके जाना बाइक से ही, व्हाट टॉप। सो गाइस अभी आ चुका हूँ कंसोल के पीछे, और खाने का इंतजार तैयारी चल रही है, और भाई मैं तो पानी ले आऊँ, लेकिन अभी से एक समय अपने लिए खाना वो तो लग जाते बेटे साइड में भाई। सो खाना खाने का टाइम हो गया, फटाफट खाते हैं। अरे हाँ लोगों ने तो खा पी लिया लग रहा है। हाँ खा लिया। तो लेके क्यों नहीं आ रहा खाना? ले लो जल्दी ले लो। गाइस अभी आ गया है मेरे लिए खाना, और आज है रोटी चावल और पनीर, तो भाई रहता जो सिंपल प्लेन में खाता हूँ। ये भिंडी क्या लिया है आज, तो ले आए स्पेशल भिंडी। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ, खाना वाना खा के नीचे खाना खा लिया था भाई, और मैं हूँ अभी छत पे श्याम गार्डन बैंक्वेट हॉल की। सो आपको दिखाता हूँ मैं बैकग्राउंड, बहुत ही क्राउड, बहुत भीड़ हो रही है, और छत में आके तो भाई ये पीछे का नज़ारा है भाई, पूरा इतना बड़ा फील्ड दिख रहा है। और मैं अभी भाई नीचे से भी आवाज़ दे रही मेरे को, तो मैं अभी छत में ही आया हुआ था, मैंने कहा भाई हवा खा लूँ, और इतनी मस्त थी हवा चल रही है ना भाई, देखो पेड़ कितना हिल रहा दिख रहे हैं। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे बहुत मस्त सा मज़ा आ रहा है भाई। और ये रहा हमारा ग्राउंड, और ठीक सामने रही गैलरी भाई, ऊपर से छत से, और ये स्टेज है जो भी यहाँ से पीछे से कवर्ड ही दिख रहा है। तो सभी लोग इस समय स्टेज में इकट्ठे थे, गए थे आपको दिखा दिया मैंने यहाँ से नज़ारा बैंक्वेट हॉल का, और अभी यहीं से छत से। तो गए अपने व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग मिलूँगा। मेरा नेक्स्ट व्लॉग रोज़ अपडेट करता हूँ अपने व्लॉग को, तो अभी कोशिश रहती कि अपने आप को एंटरटेन करूँ, अपने व्लॉग को अच्छा बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन लगा हुआ हूँ भाई वो देख देख के लोग। सो गाइस अपने व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। प्लीज़ गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल में जो नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो मेरे ब्लॉग को लाइक करें अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ तो ऐसे सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।